हाँ, तो बच्चे आपका जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। अभी तक हमने मनी के सिर्फ एक पहलू के ऊपर नज़र मारी है, डिमांड फॉर मनी। अभी हमने देखना है ये मनी सप्लाई होती क्या है। इसमें से हमने तीन चीज़ों को कवर करना है। पहली, डिफाइन मनी सप्लाई एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। इसके अलावा नीड फॉर एंड रेशनल ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई, और तीसरा और आखिरी डिफरेंट सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, चलो हम इन तीनों को यहाँ पे कवर करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मनी सप्लाई होती क्या है। अभी तक हमने डिमांड फॉर मनी को पढ़ा है। सप्लाई ऑफ मनी भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना डिमांड फॉर मनी था। ठीक है, जब आप ने किसी इकोनॉमी को स्टडी करना हो, ठीक है, तो उस इकोनॉमी का सबसे जो मेन वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी आपने स्टडी करनी है, वो मनी सप्लाई होती है। ठीक है बच्चे, मनी सप्लाई ही तय करती है किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी, या वहाँ के प्राइसेस कितने ज़्यादा या कम होंगे, महंगाई कितनी ज़्यादा या कम होगी। ठीक है, तो मनी सप्लाई कितनी करनी है, ये भी एक स्टडी का टॉपिक हो सकता है। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिक्वायर दैट सप्लाई ऑफ मनी एट एनी टाइम शुड बी मेंटेन्ड एट ऑप्टिमम लेवल। अगर आपने इकोनॉमी को स्टेबल करना हो, आपके लिए ज़रूरी होता है ये तय करना कि किस हद तक हम मनी सप्लाई को मार्केट में रखें। अभी हम देखें मनी सप्लाई होती क्या है। तो द टर्म मनी सप्लाई डिनोट, मनी सप्लाई का मतलब है टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल टू द पीपल इन द इकोनॉमी। ठीक है, मनी सप्लाई का मतलब है किसी इकोनॉमी में शामिल लोगों के पास कितनी मनी अवेलेबल है, उसी की मात्रा को हम बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट टू थिंग्स अबाउट एनी मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के किसी भी मेजर को स्टडी करने से पहले हम दो चीज़ों के बारे में जान लें। पहली, मनी जो स्टॉक सप्लाई ऑफ मनी है, ये एक स्टॉक वेरिएबल होती है। ठीक है, मनी एक स्टॉक वेरिएबल है। इसका मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ मनी एट एनी टाइम, एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो मनी सप्लाई या स्टॉक वेरिएबल का मतलब है किसी भी समय में कितनी मनी अवेलेबल है। ठीक है, और इसका स्टॉक हर साल या हर महीने चेंज होता रहता है। ठीक है, इसी की हमने स्टडी करनी है। दूसरा पॉइंट, स्टॉक ऑफ मनी ऑलवेज। अभी जो हम मनी सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि मनी सप्लाई का मतलब है टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल टू द पीपल। ठीक है, तो इसी को हम, यही इसका दूसरा पॉइंट है। इनका कहना है हम मनी सप्लाई को मेज़र करते हैं इस हिसाब से कि लोगों के पास या पब्लिक के पास कितना पैसा अवेलेबल है। ठीक है, अब हम देखें ये पब्लिक का डेफिनेशन क्या है। नीचे पब्लिक का डेफिनेशन लिखा गया, पब्लिक, पब्लिक का मतलब है ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स। पब्लिक के शब्द में सारे इकोनॉमिक यूनिट शामिल हैं। कौन कौन से, जैसे कि घर, हमारे परिवार, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं। ठीक है, मतलब ये सारी संस्थाएं, चाहे हमारे घर हों, चाहे हमारे गांव हों, चाहे फर्म्स, कंपनी, फैक्ट्रीज हों, चाहे बाकी संस्थाएं हों, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, सभी शामिल हैं। ओके, बट पब्लिक की डेफिनेशन में ये दो बंदे शामिल नहीं हैं। पहला, खुद गवर्नमेंट। ठीक है, ना तो गवर्नमेंट इसमें शामिल है और ना ही इस डेफिनेशन में बैंकिंग सिस्टम शामिल है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम ये दोनों मनी के सप्लायर हैं। ठीक है, ये तो खुद मनी को सप्लाई करते हैं। ओके, अब गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, इसके अलावा लोकल बॉडीज। ठीक है, और दूसरा जो शब्द था बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया शामिल है और बाकी के सारे बैंक्स शामिल हैं। ठीक है, जो भी बैंक पब्लिक से मनी को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इसमें सारे बैंक्स शामिल हैं। ओके,
ये तो आपका बच्चे हो गया डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई. नेक्स्ट है रेशनेल ऑफ मेजरिंग द मनी सप्लाई, मतलब नीड. आप क्यों मनी सप्लाई को मेजर कर रहे हो, ज़रूरत क्या है? तो दो मेन रीज़न है जिसके लिए आप इसकी स्टडी कर रहे हो. इट फैसिलिटेट द एनालिसिस ऑफ मनीटरी डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डीपर अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ मनी ग्रोथ. तो बच्चे मनी सप्लाई को मेजर आप इसलिए करते हो ताकि आपको पता चले मोनीटरी डेवलपमेंट कितनी हुई है. ठीक है, मोनीटरी डेवलपमेंट कितनी हुई है, अगर मनी सप्लाई में इजाफा हुआ है, ग्रोथ हुई है, उसके रीज़न क्या हैं. पॉइंट नंबर दो, रीज़न नंबर दो, बच्चे मनी सप्लाई के हिसाब से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को तय करता है. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को मनी सप्लाई के आधार पे ही तय किया जाता है. ठीक है, जब आप मनी सप्लाई को स्टडी करते हो, यही मनी सप्लाई आपको बाद में पता चलेगी प्राइस लेवल को तय करती है, जीडीपी ग्रोथ रेट को तय करती है, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को तय करती है. ये दो रीज़न थे जिसके चलते आप मनी सप्लाई को मेजर कर रहे थे. पहला क्या था, क्योंकि आपने मॉनेटरी डेवलपमेंट का विश्लेषण करना है ताकि आपको पता चले अगर मनी की ग्रोथ हुई है उसके रीज़न क्या है. दूसरा आपका मकसद था मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना. ठीक है, इसलिए बनाना है ताकि इसके हिसाब से आप इकोनॉमी में प्राइसेस को स्टेबल कर सको और जीडीपी ग्रोथ रेट को तय कर सको, इनक्रीज कर सको. ठीक है, तो बच्चे बाकी काम हम दूसरे लेक्चर में करते हैं.